नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं सैमसंग गैलेक्सी A30 के बारे में। दोस्तों ये फ़ोन काफ़ी पुराना हो चुका है, बट दोस्तों अभी भी इस फ़ोन में नए नए अपडेट आ चुके हैं। दोस्तों अभी भी आ रहे हैं। दोस्तों आज मैं आपसे इसी बारे में बात करूंगा कि इस फ़ोन में एक नया अपडेट आया है, तो दोस्तों इस अपडेट में हमें क्या नया देखने को मिलता है और कितने MB का अपडेट है। और दोस्तों ये अपडेट अगर आपको फ़ोन में आया है तो ये आपको करना चाहिए अपडेट या फिर नहीं करना चाहिए, मैं आपको सब कुछ बताऊँगा। दोस्तों वीडियो को पूरा देखना। और दोस्तों अगर चैनल पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे मेरे हर वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों ये जो अपडेट है ये दोस्तों 124 MB का है, ये दोस्तों A30 में आया हुआ है। और इसमें दोस्तों क्या हमें नया देखने को मिलता है जी मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों जब आप इस अपडेट को करते हो तो आपके फ़ोन का जो सिक्योरिटी पेज लेवल है वो हो जाएगा दोस्तों 1 अप्रैल का। और साथ ही दोस्तों जिन लोगों के पास A30 था उनके फ़ोन में दोस्तों लास्ट अपडेट के बाद कुछ बक्स आ रहे थे, जैसे दोस्तों फ़ोन हैंग हो रहा था और थोड़ा थोड़ा हीट हो रहा था। तो दोस्तों जब आप इस अपडेट को कर लोगे तो दोस्तों आप फ़ोन की जो प्रॉब्लम है हीटिंग वाली और लैगिंग वाली दोस्तों ये दोनों सॉल्व हो जाएंगी। क्योंकि दोस्तों ये अपडेट इसीलिए दिया गया है क्योंकि आपके फ़ोन में जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही हैं वो सॉल्व हो सकें। तो दोस्तों जब आप इसे कर लोगे तो आपका सॉफ्ट पे लेवल 1 अप्रैल का हो जाएगा और आपकी जो परेशानियाँ इस फ़ोन में थोड़ी बहुत वो दोस्तों फिक्स हो जाएंगी। और दोस्तों इस फ़ोन में एक प्रॉब्लम आ रही है कैमरे को लेकर, कि जब आप इस फ़ोन का कैमरा ऑन करते हो तो हमारा जो कैमरा है दोस्तों वो थोड़ा बहुत लैगिंग करता है, यानी अटक अटक के चलता है। तो दोस्तों वो भी काफ़ी लोगों के फ़ोन में इस अपडेट के बाद वो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। तो अगर आपके फ़ोन में अपडेट आया है तो आप इस अपडेट को जरूर से कर लें, जिससे दोस्तों आपका सॉफ्ट पे लेवल बढ़ जाएगा और आप में आपके फ़ोन दोस्तों थोड़ी बहुत परेशानियाँ आ रही हैं वो फिक्स हो जाएंगी। और दोस्तों आपके फ़ोन में और कौन सी परेशानी आ रही है आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हो, जिससे दोस्तों मैं चेक करूँगा कि ये जो प्रॉब्लम है किस वजह से आ रही है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए हमेशा लेके आता रहता हूँ। तो दोस्तों फिर मिलता हूँ मैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।